इस टॉप में बर्फ आ गई थी गाइस। तो गाइस मेरा फाइनल रूम। तो गाइस बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैंने बर्थडे का पूरा तैयारी कर लिया था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो रही सुबह से। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी शायद टाइम 9:30 बज रहा होगा। मेरा नाश्ता भी नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि आजकल बहुत ठंड होता है, सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। तो उसके बाद मेरा आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मैंने बहुत मतलब पूरे कमरे का मतलब पानी से धो धो के सफाई किया है। तो थक गई हूँ, पूरा अंदर बाहर फर्श में सफाई करते टाइम इतना ही हो जाता है। तो गाइस देख सकते हो मेरे बेड में सारा सामान रख दिया है मैंने, और यहाँ मैंने सारा पोछा लगा दिया है पूरा। वो बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो बेड के नीचे तो कभी कभी करती हूँ, यहाँ तो हर रोज़ करती हूँ। बेड के नीचे बहुत गंदा हो रखा था, तो बहुत साफ हो गया, शायद दिख नहीं रहा है। तो ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो मैंने बहुत अच्छे से सफाई किया आज। तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने फ़ैन भी ऑन कर रखा है ताकि ये सूखे करके, तो लगभग सूख ही गया। तो उसके बाद मैंने बाहर सफाई किया पूरा ये फर्श में, और मेरा कालीन वहाँ पे सूख रहा, अभी बिछाना भी है। तो यहाँ से लेकर किचन से लेकर वो सीढ़ी से नीचे से वो वहाँ तक सफाई करती हूँ मैं, तो लगभग 1 घंटा लग ही जाता है। तो अभी मैं भरने जा रही हूँ पानी, अभी बाथरूम भी सफाई करना है। तो अंदर का सारा काम कर लिया मैंने, बाथरूम का सफाई करना है बस, ये खचर पचर हो रखा है। तो ये जार मेरा भर गया पानी का, तो पानी भरती हूँ पहले, फिर उसके बाद सफाई करूँगी बाथरूम का। तो अभी पानी अंदर रखती हूँ, और भूख भी लग गई तो नाश्ता भी करते हैं। तो गाइज आज बहुत दिनों बाद पूरे साल का सबसे पहला बारिश, साल का पहला बारिश हुई कल। तो बहुत अच्छी धूप आ रही थी यहाँ, और अजीब सा हो रखा था मौसम, बहुत अजीब सा, मतलब धूप भी अजीब सा हो रखा था, मतलब धुतला टाइप का। बारिश आए तो धूप भी इतनी अच्छी धूप आ रखी है, देखो गाइस बहुत तेज़ धूप आ रखी है। कम मौसम दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, और कपड़े भी सुखा रखे मैंने, तो देख सकते हो। तो गाइस इस टॉप में बर्फ़ आ गई थी गाइस, अभी दिख रहा है बट धूप की वजह से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बर्फ़ आ रखी थी, खाली 1 दिन बारिश होने में, तो बहुत दिन बारिश होगी तो क्या होगा। वहाँ उस टॉप में भी आती है बर्फ़, और वहाँ भी आती है बर्फ़। तो मेरे ससुराल साइड में तो हर जगह आती है बर्फ़, मतलब घर में ही पहुँच जाती है। मेरे पति देव गए हैं शादी में, उनका इंतज़ार कर रही हूँ, कल शाम को गए थे। तो अभी कितने बजे आते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ किस समय पहुँचते हैं। तभी करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद अंदर का जो भी सामान है वो बिछाना है मुझे, बहुत बेड में बहुत सर हो रहा है, तो उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था, तो मैंने पंखा बंद कर लिया। तो अब करती हूँ मैं अंदर का डेकोरेट, मतलब जो भी मैंने उथल पुथल कर रखा उसको सेट करती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई। अब करते नाश्ता, क्योंकि बिना नाश्ते के अभी मतलब
एनर्जी नहीं आ रही है, तो बहुत जल्दी थक गई हूँ, तो मेरा सब सेटिंग हो चुका है, तो बस इंतजार है मुझे किसका है वो आप कमेंट करके बताओ। तो ये नहीं होते तो मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, तो क्या करूँ होता है, तो मैं कभी कपड़े फोल्ड करने लग जाती हूँ गोदरेज के, कभी ये सेटिंग करने लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम पास हो जाता है तो उतना वो नहीं होता है बोरिंग। तो अभी पहुँचने ही वाले होंगे शायद, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो भी करते हैं सरप्राइज। इस मेरा नाश्ता आ चुका है, आलू की सब्जी, रोटी, मट्ठा एंड चटनी। तो गाइस खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। तो गाइस अभी हम बाजार आ रखे हैं ब्लॉक में, और बुआ बना रही है यहाँ पे रील्स देख सकते हो तो यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है, ये ग्वालगो में वो वहाँ हमारा घर है। तो अभी मैं मार्केट आ रखी हूँ ब्लॉक में, इधर आओ। तो अभी रील्स बनाते हैं हम भी थोड़ा, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग तो रील्स बनाने लग गए, ये फोटोग्राफर और यहाँ पे रील्स। और हम कॉफी पीते हैं, फिर उसके बाद मिलता। मार्केट से आ चुकी हूँ और इतना ज़्यादा शॉपिंग करके लाई, मेरा नहीं है कुछ नहीं किया गया सब, थोड़ा बहुत किया। तो मेरे पतिदेव पहुँचे कि नहीं पहुँचे पता नहीं, क्योंकि उनके आने से पहले मैं मार्केट आ गई थी, ब्लॉक में मेरा कुछ काम था, तो इसलिए चलते हैं देखते हैं आए कि नहीं आए, आपको भी दिखा दो सरप्राइज। ऐसे तो पहुंच गए होंगे अभी तक, जहां तक ख्याल है देखते हैं। चलो सरप्राइज। अरे आ गए फंडा। तो गाइस ये पहुंच चुके हैं, कल रात को मुझे छोड़ दिया था, कल शाम को तब भी आ रहे हैं, पता नहीं जाना पड़ा था शादी में, देने पड़े थे। चलो अभी खाना खाते। तो गाइस बहुत अच्छी धूप आ रखी है, और बस धूप भी जाने वाली है, खाना वाना खा के मार्केट से आके खाना वाना खा के बैठी हूँ, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अब पढ़ाई, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। तो अभी मैं लिख रही हूँ, कुछ काम करना मुझे, तो वो लिखती हूँ और अच्छे से धूप सेकती हूँ, बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है धूप सेकने में। तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, वैसे भी जाड़ों का धूप बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी बादल लग गए, नज़र लग गई मेरी तो गाइस लिखती हूँ फिर। तो मैंने एक पार्सल मंगा लिया था, दो है जो है स्मॉल साइज, तो ये भी मुझे ढीला हो रहा है क्योंकि मैं बहुत पतली हो गई। तो ये मंगा रखा था मैंने अपने बर्थडे और एनिवर्सरी में, जैसे कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी 10 तारीख को ही आता है, एक ही दिन, जिस दिन बर्थडे था उसी दिन मेरी शादी हुई। तो इसको मैं खुल के दिखाती हूँ, और इसको मैंने ट्राई भी कर लिया। तो ये है मेरा ड्रेस कुछ इस तरह का, तो इसमें थोड़ा काम करना बाकी है, क्योंकि मीशो से मंगा रखा था, तो इसमें कुछ और करने की सोच रही हूँ एक्सपेरिमेंट मैं। तो ये है मेरी ड्रेस जो बहुत फैला रहा है, तो अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, इसमें थोड़ा काम करना बाकी है, तो मैं इसको थोड़ा इसका मेकओवर कर दूँगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। तो गाइस मैंने कपड़ा तो मंगा लिया, लेकिन मैं मेरे बर्थडे या बर्थडे में मैं यहाँ रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ, क्योंकि कुछ काम से मुझे बाहर जाना है कैंप के लिए, तो वहाँ जाना है मुझे, तो शायद जा सकते हैं या नहीं भी, तो देखते हैं क्या होता है, अगर मुझे पहनने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो इसको मैं कभी पहन लूँगी लाइफ में तो गाइस बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैंने बर्थडे का पूरा तैयारी कर लिया था, तो देखते क्या होता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है कि मैं यहीं होती हूँ 10 तारीख तक,
तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रात भी हो चुकी है और खाना बनाना भी स्टार्ट कर लिया मैंने, सब्जी चढ़ा दिया, आटा गूंथ लिया है, बस अब रोटी बनाना है। तो अब इस वीडियो के यही पे एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए गाइस। बाय बाय।